हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट एडवाइज। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार जो है ट्रिक लेकर के आया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैं आपके मोबाइल के एक ऐसे सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल है। ठीक है, वो सेटिंग केवल एक ही है, लेकिन जो है आपको वो बहुत कई तरीक़ों से जो है वो आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं बताता हूँ इसके बारे में जो है कि यह सेटिंग ऑन हो जाने की वजह से जो आप रेगुलर जो ऐप यूज़ नहीं करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, वो स्लीप मोड में चले जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी क्या होगी, बैटरी भी बचेगी। ठीक है, और जैसा आपको शायद पता होगा कि आपके जो रेगुलर यूज में जो ऐप हैं या फिर जो ऐप बंद नहीं रहते हैं वो क्या करते हैं, बैकग्राउंड में आपका नेट डाटा भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिससे आपकी नेट स्पीड भी स्लो हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स सबसे पहले आपको जो है इसमें देखने के लिए इसको सेटिंग में जाना होगा। ठीक है, सेटिंग में जाने के बाद जो है आपको डिजिटल वेलबींग एंड पैरेंटल कंट्रोल में जाना पड़ेगा। ठीक है, फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है एक फोकस मोड जो कि अभी ऑफ है, यही हमारी सेटिंग जो है थी। ठीक है, आइए इसके बारे में हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो फोकस मोड है यहाँ पर दिया है डिस्ट्रैक्टिंग ऐप, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्टिंग ऐप का ये मतलब है कि जो ऐप जो है आपकी नेट स्पीड को या बैटरी को क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं। ठीक है, मतलब कि रेगुलर यूज के ऐप नहीं है, जैसा कि देख सकते हैं मैं पहले से ही जो है कुछ ऐप को डिस्ट्रैक्टिंग ऐप के रूप में क्या किया, मैंने जो ट्रिक लगा के रखा हुआ है। ठीक है, ऐसा आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो ऐप आप नहीं चाहते हैं कि वो आपके लिए यूज़फुल हैं रेगुलर जो है, आप उनको ऐसे ट्रिक लगा कर क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है टर्न ऑन नाउ, तो आप इसे क्या कर दीजिए, इसको ऑन कर दीजिए। ठीक है, तो ऑन करने के बाद जो है देख सकते हैं कि सारे के सारे जो ऐप सेलेक्ट किए गए हैं वो क्या क्या हैं, वाइट हो गए हैं। ठीक है, तो ये ऐप जो है रियल स्क्रीन में भी क्या है, आपको वाइट देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आप चाह कर भी इनका यूज नहीं कर पाएंगे और ये खुद भी जो है अपने आप में जो है यूज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम इस पर क्लिक करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप ऐसे जैसे किसी ऐप को आपने जो है डिस्ट्रैक्ट मोड में डाला है, फोकस मोड में डाल दिया है, तो अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो ऐसा मैसेज दिखाएगा। ठीक है, और आपको इसकी ज़रूरत है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, लर्न मोड में जाके आप इसको टर्न ऑफ नाउ या टेक अ ब्रेक भी कर सकते हैं। ठीक है, 5, 15 या 30 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं या फिर इसको परमानेंटली के लिए ऑफ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी एक और जो है ख़ास बात मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, इसमें ऊपर देख रहे हैं आप दिया है सेट ए शेड्यूल। ठीक है, तो इसमें आप चाहेंगे तो आप अपने मन से जो है आप इसका स्टार्ट टाइम या एंड टाइम भी सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें वीक में अगर आप चाहते हैं किसी दिन जो है ये ऑन ना हो, फोकस मोड ऑन ना हो, तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर संडे मंडे ट्यूजडे दिया हुआ है वीक नेम जो है, यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो आपकी मोबाइल की बैटरी और इंटरनेट और परफॉर्मेंस को बिल्कुल क्या करेगा, ये बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, आपको पसंद भी आई होगी शायद। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, हम जल्दी आपसे एक ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।